बहुत दिनों के बाद मेरी जेठानी मेरे घर वो दूर रहती है 400-500 किलोमीटर आ नहीं पाती है 2 किलोमीटर दूर से तो मेरे घर नहीं आ पाती है सोचो बेटो बड़ी मम्मी कितने दिन बाद आई सामने जाओ ना बुला रहे हैं तो नहीं बाद में आओ बाद में आऊंगी मेरे दांत मत निकालना बाबा अच्छी लगती हो कोई तुम बेकार थोड़ी लगती इतनी सुंदर तो हो रही हो लंबे लंबे बाल है सब तो अच्छा है अन्ना को इतना परेशान करती है ये दिन भर उनके साथ बाय बाय अब कब आओगे मेरे साथ जो जेठानी जी थी वो आई थी आज पर बहुत दिन बाद आई थी कम से कम 1-2 महीने बाद आई थी और थोड़ी देर के लिए आई और चली गई वो विराज को फीवर आ रहा था इसलिए डॉक्टर के पास आई थी तो मैं मुझसे मिलने आई थी मुझसे नहीं गुड्डू से मुझसे हम दोनों से वो गुड्डू की बहुत याद आ रही थी बहुत कम आ पाती हूँ मेरे यहाँ बच्चे को स्कूल घर का काम और मैं भी बहुत कम रामनगर जा पाती हूँ जहाँ वो लोग रहते हैं सासू माँ सासू ससुर तो रोज ही आते हैं हम सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं उसके बाद भी हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं तो आए हुए थे रुके भी नहीं 10 मिनट रुके चले गए को ले गए हैं गुड्डू को लेकर गए हैं वो आज लास्ट ब्लॉग में जैसा कि आपने देखा था कि मुझे करंट लगा था तो उसका दर्द मतलब आज ही लगा था पर वो मैंने पहले की क्लिप में लिया हुआ था तो वो उनको पता चला है तो वो आए थे कि करंट लगा है और मैं मुझे मेरी तबीयत भी 2-3 दिन से ठीक नहीं चल रही है तबीयत में मुझे ना वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है तो इस टाइप की प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से वीकनेस बहुत आ रही बॉडी में पता नहीं क्यों हो रहा है आई डोंट नो डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर बोलते शायद किसी टेंशन से हो रहा होगा या फिर कमज़ोरी की वजह से हो रहा होगा खाने पीने पे ध्यान दो आया ये अच्छा हमारे ब्लॉग में अब एक नई छोटी सी शुरुआत एक सामाजिक काम नहीं ये सरप्राइज रहेगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये समय अनुसार आपको पता चलता रहेगा समाज सेवा भी नहीं बोल सकते बोल सकते कुछ दिल से इच्छा हो हाँ, एक छोटी सी आज का दिन भी बहुत अच्छा है इसलिए आज से हमने करा है शुभारंभ अच्छा करने की शुरुआत गणपति अप्पा मोरिया तो यहाँ पर मैंने आलू उबलने रख दिए हैं एक कुकर में मटर उबलने रख रही हूँ क्योंकि मटर भी फ्रोजन के होते थोड़े से हार्ड थे इसलिए इधर मटर उबलने रखूँगी एक कुकर में आलू यहाँ पर मैंने सब्ज़ी का सारा मटर हरी मिर्ची धनिया अदरक ये पीस कर रख दिया है और जैसा कि मुझे करंट लगा था जिस वजह से यह हाथ बहुत दर्द दे रहा है बट फिर भी कर रहा हूँ एक बार आटा गूंद लिया है तो इसके बाद एक बार और आटा गूंदना है क्योंकि मुझे 30 लोगों का खाना तो बनाना ही है क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं एटलीस्ट जिन पर 30 लोगों का तो बनाना है और 3 हम लोग मतलब 30 से 35 लोगों का खाना मुझे बनाना है मेरे सर में हो गया था तो मैं शाम में चाय वाले से हाथ के हाथ बर्तन में मास्क भी चल रही ताकि ये ज़्यादा ना हो ये हर मंथ ही मुझे करना है बोलते ना एक नेकी के राह पर जब चलो तो अच्छा लगता है अच्छी वाइब्स आती है तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इस नेकी के राह पर मैं अपने पति का साथ दे रही हूँ उनकी बहुत बहुत इच्छा थी कि कुछ कहीं से तो स्टार्ट करें उन पर उनको सोशल वर्क करना है कि हम नहीं जानते क्या करना है उनकी क्या आगे इच्छा है पर यहाँ से हमने एक छोटी सी शुरुआत करी आई होप कि हम आगे तक जाएँ और बहुत अच्छा कर पाएँ सब्जी देख सकते हैं जिन लोगों के लिए बना रही हूँ उनका समय अच्छे से
सही बात है। यहाँ पर मेरे ससुर जी सो रहे हैं, बहुत थक गए थे वो भी, क्योंकि हमारी जो कबड्डी की गाड़ी आती है उन्हें खाली करना पड़ी थी आज, और बारिश भी बहुत रही थी, उन्होंने मेरे हस्बैंड ने मिलकर खाली करी थी। वो यहाँ बहुत थक चुके थे, ससुर जी सो गए थे। कितने किलो आटे की पूरी है? कोई ना, कर लेंगे धीरे धीरे। कढ़ाई छोटी पड़ रही है इसलिए मेहनत ज़्यादा लग रही है। ये सब्जी बन चुकी आटा कम बन रहा है आंटी। क्या आटा कम पड़ गया? तेरे लिए बन रहा है ना, इतना देखना तेरे लिए बना लेना, इतना सारा खाना इतना सारा मेरे लिए। पक्का पक्का पक्का, आग बंद कर। हाँ आग बंद करो। ये है पूरी, ये अंकल ने नहीं तली है ना, अंकल आए दो पूरी तलने से, अंकल सारी आंटी ने तली है। अंकल आपने जो ये मेहरबानी आंटी के ऊपर की बहुत, इसके लिए आप 500 रुपए देने पड़ेंगे हमें। हाँ मेरे को चाहिए भी नहीं। पड़ गया था फिर दोबारा आटा गूंदा है, तो पूरी हमारी बन गई है, अब बाकी दूध की और खानी है। चलो बंदे दे मेरा स्टार्ट सरप्राइज है स्वीट्स। मैं कुछ ये पैकिंग के लिए लेकर आया हूँ पूरा, ये बोला बन के इसमें टिफिन में पैक कर देंगे, सब्जी पूरी सलाद अचार पापड़ वगैरह इसमें खाएंगे। उसमें मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा जलन होने लगी है, बहुत जलन कर रहा मेरा फेस, और बच्चियों थोड़ी जो पूड़ियाँ हैं ये फ्राई कर रहे हैं, ये जो प्लास्टिक के बर्तन में सारी पूड़ियाँ इन्होंने करी है फ्राई, और ये मैंने करी है, तो ये इतनी पूड़ियाँ इन्होंने फ्राई की है, ये बोलूँ। और इशू हमारी हमारे साथ देगी पूरा पूरा, और व्लॉग शूट इशू करेगी, ये मेरा कैमरा मैन है, तो सब लोग मुझसे पूछते हैं ना मेरे वीडियोस कौन शूट करता है, तो अधिकतर वीडियोस ये शूट करती है। ये इशू इनकी आईडी है रिंकू खंडा दे करके, प्लीज़ इनको जाके फॉलो कर लो यार। गाइस अभी हमसे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, पन्नी मेरे हाथ से छूट गई थी, थोड़ी सी चाशनी गिर गई नीचे। हाँ पर कोई बात नहीं, वैसे भी चाहिए तो साफ लगा, बनाने में बहुत टाइम लग जाता। ये देखिए ये है गुलाब जामुन, और ये है पूड़िया, और ये है ब्लॉगर यानी आंटी। मैगी पास्ता सब, और बस मेरे को कभी कभार ये जो पड़ जाता है कि मैं आंटी की वीडियो नहीं बनाऊंगी, है ना, फिर आंटी मेरे को बहुत जल्दी बना लेती, गुस्सा नहीं होती मेरे से, हाँ फिर मेरे को बुरा नहीं लगता। और आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मैं ना अंकल से बहुत चिढ़ चुकी, अंकल मेरे को प्यार नहीं करते, फिर जो कल आपने ब्लॉग देखा था कि अंकल ने मेरे को घड़ी दी थी, फिर मुझे समझ आ गया था सब। क्या समझ आ गया था? कि अंकल मेरे से सच्चे में प्यार करते।
पूड़ी सब्जी गुलाब जामुन और सैलेड एक प्लेट है। डिंपल ये है पूरी, ये है प्लेटें सारी, ये पूड़ियाँ, गुलाब जामुन, सैलड और सब्जी। अभी सबने निकाल लिए डब्बे सारे। आंटी स्माइल करो। एक कप तुमने हमें दी। श्री गणेश नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माँ मोठा देवी। जय माँ मोठा देवी। जय माँ दुर्गा भवानी। जय माँ दुर्गा भवानी। कितनी पूरी रख रहे हो आंटी? फोर फोर। देखा हमको पूरी रखते हो सब्जी के साथ। हाँ। ये आंटी रख दो। चार चार ना। ये तेज ज़्यादा कर दिया अपना तेज। चार चार ना। आंटी हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है ना, हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आंटी तो लास्ट डब्बे बचे उसमें क्या डाल रहे हो? नमक। अभी इस पे एक थाली पे हमने ढक्कन लगा दिया है। ये इधर भी थाली है, उधर भी थाली है। ये सब्जी और गुलाब जामुन। इशू क्या दुकान पे जा जल्दी, बोल बोल रबड़ दे दो। वो नहीं वो नहीं पहुंचा दुकान पे जा मेरे से पापा लेट हो गए। जल्दी जा मेरा बोल। चुके हैं ढक्कनों की रवानी लिखेंगे। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। जो हमने खाना बनाया है तो हम लोगों को देना है, जो हमारे मंदिर पर जो भी मतलब क्या बोलूं मतलब दान करना है। वो खाना जो बनाया है ना मैंने अभी, वो दान करना है वो खाना। तो बस हम वही दान करने मंदिर जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और आपको हमारी छोटी सी शुरुआत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम आ चुके थे, इच्छा करना चाहते हैं, बहुत सारी इच्छाएँ तो भगवान ने कर दिया था। छोटी सी शुरुआत की ये।
रंजीत हनुमान मंदिर जहाँ पर हम मैं मेरी सासू माँ हम सब आए थे, यहाँ आकर हमने भगवान के दर्शन किए। गुड्डू पहली बार आई थी, बस बच्चों पर, पति पर, हमारे भाई बहनों पर, माता पिता पर, हमारे सभी परिजनों पर भगवान की कृपा बनी रहे। मेरा मैं बस ईश्वर से हमेशा यही मांगती हूँ कि भगवान जैसी ज़िंदगी सुकून की चल रही है ऐसी चलती रहे, और जो ये एक शुरुआत हमने की है एक अच्छे काम की, एक अच्छी नेकी की, उसके साथ देना प्रॉब्लम हुई, तकलीफ हुई, बट मैं बहुत खुश थी। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग अच्छे से चले गए, बहुत ज़्यादा खुश थी। अब नेक्स्ट टाइम का वो डिफर मिलना है, ठीक है, ईश्वर साथ देगा तो सब कुछ करेंगे। बस खाना भी नहीं खाया है, और टाइम क्या हो रहा है मैं बता देती हूँ आप लोग, रात के 11:30 बजे चेंज करूँगी, खाना बंद लगाऊँगी, हम लोग खाना खाएंगे, मेरे व्रत, मेरे हस्बैंड का व्रत भी है। सर्दी हो, रुमाल दे, सर्दी